कितनी कोशिश करते हैं हम लोग उठकर खड़े हो पाते हैं। आप सब ने दुआ करने बार बार दुआ के। अस्सलाम वालेकुम, हम सब देखने वाले कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज जो है ना फरमान की तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा खराब है। आप सब ने जो है ना दुआ करनी है। पता नहीं हमारे घर को क्या हो गया है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। जैसा कि हमारे घर को नजर ही लग गई हो, क्योंकि फरमान जो है ना कल से उनकी टांग परसों का मसला बना है। वो कल जो है ना थोड़ा थोड़ा टांगों में दोनों में दर्द था, तो आज जो है ना उसको एक टांग जो है ना ये वाली टांग जो है ना बिल्कुल सुन हो के खा गई है। ना ही कोई काम करती है, ना ही हरकत करती है, चल भी नहीं पाता और उठकर बैठ भी नहीं पाता। इतना शदीद दर्द है उसे बहुत ज्यादा, और देखकर परेशानी होती है। मैंने उसको दबाने की कोशिश की, फिर भी कहता है कि इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो फरमान से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या वजह बनी है। फरमान बोल लेंगे, ये ना कल से जो मैंने आपको बताया ना दोनों टांग ये वाले जगह मतलब घोड़े से ऊपर घुटने से ऊपर जो है ना ये सारा पट्टा जो होता है ना वो सारा रुका हुआ है। पता नहीं क्या घोड़े से ऊपर वो इतना कल दोनों टांगे दुख रही थी। मैंने इरफान को बोला, मैंने कहा ये मसला है, तो इरफान ने कहा मुझे खुद को भी ये हो रहा है। तो कल हल्का हल्का सा था, तो रात को सो गया पता भी नहीं चला। सुबह मैंने कहा उठूँ आप लोग भी बनाऊ, तो जैसे उठा तो मेरी टांग बिल्कुल ऐसे हो गई थी, शदीद दर्द। मैंने दोनों हाथों से दबाया, मैंने कहा ऐसे जैसे कोई राग ताम आके खड़ी है ना, वही मसला है राग का। लेकिन वो राग का मसला नहीं लग रहा, कोई और लग रहा है। और ये साथ में ना दाएं जो टांग है वो भी थोड़ी थोड़ी दुखती है वैसे काल की तरह, लेकिन ये जो बाई टांग है ना ये मैं ऐसे थोड़े से भी नहीं हिला पा रहा। हिलाऊँ तो शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो गया। अम्मी को बोला, मैंने कहा मेरी टांग खड़ गई है। अम्मी ने कहा उठ के चलोगे तो सही हो जाएगी। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, उठा तो उस पर इतना दबाव दे के उठा ना, फिर भी चल नहीं पाया। तो अभी जैसे मैं हल्का सा दबाता हूँ फिर वही दर्द शुरू हो जाता है। आपने बताया, आपने बोला है कि ये सोने से ना जो है ना वो पट्टा जो है ना रुक गया है। आप चले तो हरकत होगी, खून चालू होगा, तब जो है ना ये टांग सही जो है ना हरकत कर पाएगी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं हुआ। फरमान जो है ना यहाँ से अपने घर से जो है ना वो बांध पड़ी हुई है, वहां तक आते जाते रहे, फिर भी कोई असर भी नहीं हुआ। और शदीद दर्द हुआ, मैंने जो है ना मालिश वगैरह भी करवाई है ताकि जो है ना कुछ असर हो जाए, लेकिन कोई असर भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया है। वो बांध पर जब मैं गया ना अबू के कहने पे चला गया, तो मैं जैसे ही टांग नीचे देखता इतना दर्द शुरू हो जाता। मैं एक टांग के जरिए ऐसे चल चल के आया और फिर आके इधर बैठा चारपाई पे। जैसे ही मैं बैठा ना फिर उधर से हिल नहीं पाया। अम्मी को बोला मैं आप इधर से कैसे उठूँ कैसे उठूँ ऐसे, फिर आपको बुलाया तो आपने उठा के अंदर बुलाया। तो अभी ना मालिश भी की है और गोली भी पहुँच तक खाई हुई है कि पसीना आए और आराम हो जाए। तो लेकिन मैं अभी ना इतना हिला नहीं सकता, हिला नहीं पा रहा इतनी यानी कि शरीर। जैसे कुछ एक राग ता लगा के खड़ी होती है वो अलग मसला होता है, उसको भी अगर इधर उधर हिलाएं चुलाएं दबाएं फिर सेट हो जाती है। लेकिन ये वो मसला नहीं है। सोफिया ने इतना दबाया, दबाने से शरीर दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं कैसे मैं बर्दाश्त करके पड़ा हुआ हूँ। अभी जो है ना डॉक्टर का आने का टाइम नहीं है, डॉक्टर साहब आएंगे उन्हें कॉल करके बताऊँगा ये मसला है। पहले भी उन्हें कहा हुआ था कि डॉक्टर से ना टाइम ले दें, पट्ठों वाला डॉक्टर है वो इधर बहावलपुर में, तो उसने कहा कि टाइम लेते हैं, वो शाम के वक्त आता है फिर जाके चेक करवाते हैं। ये जो गर्दन वाला मेरा मसला था ना ये दोनों कांधे ये भी अभी वैसे है ना, तो यही अभी बात चल रही थी डॉक्टर से बातचीत के जल्दी टाइम ले और वहाँ पर मेरा चेकअप करवाए। तो आज अचानक ये मसला बन दबाऊँ और आप ऐसे लात को छिड़को तो ये जब दबाती है तो दर्द शुरू हो जाता है, लात उठाई नहीं जाती बिल्कुल।
क्योंकि बहुत ही दुख होता है कि अल्लाह पाक ने हम दोनों को कैसे ही जो है ना ऐसी बीमारी दे दी कि ना ही मेरी तबीयत ठीक रहती है ना ही फरमान की कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी फरमान की तो मुस्त की कभी जो है ना गर्दन का मसला कभी टांग का मसला कभी बाजू का मसला अल्लाह पाक ने हमारे साथ पता नहीं क्या करती जब बंदा खुद तकलीफ में होता है ना वो दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर मैं खुद भी इतनी अजियत से गुजरती हूँ मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ऐसे का मसला जो है ना मुस्तकिल बन गया है मैं फिर भी बर्दाश्त करती हूँ लेकिन मैं अपनी बीमारी खुद बर्दाश्त कर लेती हूँ लेकिन फरमान के दुख मुझसे नहीं देखा जाता प्लीज आप सब लोग विनती है कि दुआ करें मैंने उसे कहा था उसने कहा डॉक्टर सुबह के टाइम आता था तो फास्ट टाइम में टाइम मिल जाता पट्टू वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर है फिर डॉक्टर ने कहा है कि शाम के वक्त अब आता है तो टाइम भी कुछ मुश्किल से मिलेगा इधर से दाँत छूट हो जाए क्योंकि जो न्यू आने वाले होते हैं वो कहते हैं ये फरमान अजमान कोई काम नहीं करते ये ड्रामे बाज है से कैमरा पकड़ के घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें पता है कि वो चीज तकलीफ से चीज अजियत से गुजरते हैं हमें पता है हम उनके साथ रहते हैं कि किस तरह वो उठते हैं बैठते हैं चलते हैं फिरते हैं पहले तो थोड़ा थोड़ा मसला था जब बचपन में और बढ़ता बढ़ता अब ये हालत हो गई कि चल फिर भी नहीं सकते आप सब दुआ करें ठीक होगी ना दबाओ इतना मेरी टांग
मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान की दया से टांग ठीक हो जाए, उसको मालिश कर रही हूँ, दबा रही हूँ बार बार उसकी टांग पर छिड़काव दे रहे के कुछ तो फर्क हो, लेकिन कोई फर्क भी नहीं आ रहा। हो जाता है सोबिया, हर बार हमारे साथ क्यों होता है ऐसा? आप टेंशन ना ले, यही कल मुझे शक हो रहा था, कल मैं दोनों टांगे ना ऐसे दो करे थे तो मैंने चुप कर जाना भी, मैंने इरफान को बताया, मैंने कहा मुझे ये मसला हो रहा है दोनों टांगों का, ये जो ऊन है ना इससे नीचे घोड़े के ऊपर। इरफान ने कहा मुझे भी ये हल्का हल्का दर्द शुरू है, हमें एक ही बीमारी है ना, एक ही बार जो भी होता है, तो वो तो अभी मैंने उससे पूछा, कहता है अभी मेरा दर्द कम है, तो मेरा इतना शरीर, मैंने कहा मैं तो उठ नहीं पा रहा, रास्ता ऐसा उठा तो जैसे ही मैं उठा ना उधर ही बैठ गया, अभी जैसे थोड़ी सी लाता हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। इतनी हालत हो गई कि उठ कर खुद बैठ भी नहीं सकते और खुद चल भी नहीं सकते, एक कदम भी नहीं चल पाते, ना ही उठ कर खड़े हो पाते। आप सब ने दुआ करने बार बार दुआ की रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज दुआ कीजिए। आप रो मत, रोने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा सहारा लाया दर्द शुरू हो गया, पता नहीं कोई राग का मसला है, पता नहीं पट्टे का कोई मसला है। और घर में कोई भी नहीं है, ना ही अब्बू ना ही अम्मी ना ही बच्चे। अम्मी को पता है, अम्मी ने कहा घास पे जा रहे हैं, डॉक्टर कहने का भी टाइम नहीं है। काश बच्चे खड़े होते तो आपको डॉक्टर के पास ले जाते ना, आप कौन ले जाएगा आपको? नहीं अब वो आ जाएंगे, अब वो कहाँ चले गए? तो किसी की कार इमरजेंसी बुलाना पड़ा, वो तो वहां पे चले गए, क्योंकि हम सब ने अक्सर बताते रहते हैं बहन भाइयों को कि फरमान का इरफान का ये जो है ना मसला है पटू का, कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन अक्सर कमेंट्स आए हुए होते हैं कि फरमान इरफान निकम्मे घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें पता होता है वो जिस तकलीफ से घूमते हैं, निकम्मे घूमने की वो नहीं होती क्या, वो निकम्मे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन काम जो होता है वो अपने तरीके से करते हैं। अगर भारी काम कोई नहीं कर पाता ना, तो फिर उन्होंने ये यूट्यूब चैनल बनाएंगे, कुछ ना कुछ जरिया अपने अम्मी अबू का सहारा बने, अपने मासूम बच्चों का सहारा बने, जहाँ से इनकम हो और हमारी मजदूर बहने अपने मेरे माँ बाप जो है ना वो सुकून से खा पी सके, कि उन्हें खुशी है कि हमारे बेटे जो है कमाने वाले हैं, खिला रहे हैं वो, लेकिन अल्लाह पाक ये तकलीफ ना दे दो, तो देखे कितनी सोच हमारे घर वालों की है कि हमारे बेटे जो है ना कर देंगे, इतनी हिम्मत और हौसला देते हैं हमारे माँ बाप के, हमारे बेटे ये है वो है, लेकिन इतनी हौसले के बावजूद भी आप बिल्कुल टूट गए। चुप करो मातरो, ये दाएं दाएं टांग को तो सीधा कर लो, सोने की जा रही है, बाएं को तो असर ही नहीं है कुछ, क्योंकि फरमान आज जिस हालत से गुजर रहे हैं ना, देख कर इतना तकलीफ होती है कि दिल फट जाता है इसकी तकलीफ देख कर। सुनिया ना दबाओ, थोड़ी देर
दर्द कर रही है। इस जगह पर हाथ रखो। तकलीफ से हम बचपन से गुजर रहे हैं। अम्मी ने कहा
वही जो बलोट में डॉक्टर था ना वो माँ असलम के साथ एक दफा गए थे, याद है कभी आपको? वो मरोट जो इधर से 200 से ऊपर किलोमीटर है, इतना सफर है, वहाँ जाए और उसको दिखाए। मैंने कहा अम्मी इधर भावलपुर में कोई होगा सपेस बेस पट्टों वाला, उसे चेक करवाते हैं। कोई हमें इतना अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिल रहा कि चाहे जितना हमें घर बेचना पड़े हम बेच देंगे, लेकिन इन दोनों का इलाज जरूर कराएंगे। इनकी सेहत है ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी से हमारा ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। बस आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पाक पर यकीन है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक जरूर कोई ना कोई ऐसा सिला बनाएगा, देखना अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने सिर्फ पानी पिया, गोली खाई, ऐसा दिल घबरा गया ना, रूह खराब हो गया है इस परेशानी की वजह से। अब बिल्कुल भी ना टेंशन लें, मैं हूँ ना आपके साथ, अल्लाह पाक हम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। मम्मी है, अब्बू है, सब है माशाल्लाह। फिक्र ना करना सभी, आओ बिल्कुल भी फिक्र ना करना। शुरू हो गया ना आपको है ये उत्तर प्रदेश हो गई, अभी गोली खाने की वजह से पसीना आया ना। अब मैं इधर रख के दांत पड़ा हुआ हूँ, थोड़ी सी ऊपर नीचे या साइड पे करता हूँ दांत हो जाता है। एक ही जगह ऐसे एक एक जगह है ना, तो इतना दर्द कर रही है, इतना थोड़ी सी हेल भी जाए तो दांत शुरू हो जाता है। मैं यही सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा बाइक पे, वो भी नहीं कॉल करके डॉक्टर को यहीं पर ही बुला लेते हैं। क्या पता ना आए, नहीं आ जाएंगे, पैसे ज्यादा ले लेंगे और क्या। आपको इतनी तकलीफ से है फिर जाए बाइक पर, कैसे जाएंगे आप? हम कॉल करेंगे उन्हें बोलेंगे आप यहाँ पे आ जाए, इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे कल से जाना तो आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। आप जो रो रही हो मैं रोने से ठीक हो जाऊंगा।
प्लीज आप सब लोग मिल जाए में दुआ करना है भगवान के लिए कि उनकी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। या अल्लाह विश्वास ऐसे याद है भगवान को कभी कोई नुकसान। प्लीज आप सब लोगों ने जो है दुआ करनी है।